अमित जी की कॉल्स बाकी हैं। अमित जी बताइए। जी अनुज जी, इस समय मुझे आईओसी का स्ट्रक्चर पॉजिटिव लग रहा है। आईओसी में हमने एक करेक्शन देखा था, उसके बाद एक 3 से 4 दिनों के कंसोलिडेशन के अपटिक के बाद 2 दिनों से हम आईएसवी में एक अच्छा अपटिक देख रहे हैं। स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव है। आरएसआई में भी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट और आरएसआई में जगह है ऊपर जाने की। 78 का प्राइस है, इसके लगभग टारगेट्स रहेंगे 82 रुपीज के और स्टॉप लॉस रहेगा 76 रुपीज का। सेकेंड स्टॉक रहेगा मेरा फेडरल बैंक। फेडरल बैंक इज ऑन द वर्ज ऑफ अ मंथली ब्रेकआउट। इस स्टॉक ने कंटिन्यूअस ट्रेंड दिखाई है हर तरह की मार्केट में और स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है इसका। 140 का इसका प्राइस है। टारगेट्स लगभग इमीडिएट शॉर्ट टर्म में रहेंगे 147 से 148 के और स्टॉप लॉस रहेगा 136 का। ओके, आपके ख्याल रखिए। फेडरल बैंक आपकी स्क्रीन पे 140 की ट्रेजेक्ट्री को फिर रिगेन करके ट्रेड करने की कोशिश करता हुआ, और एक खेमा और जिसको मैं टच करने की कोशिश कर रहा था, अदानी इंटरप्राइजेस, नो नॉट एग्जैक्टली अदानी पोर्ट्स, नो नॉट एग्जैक्टली। अगर आप देखें कोई स्विंग नहीं है यहाँ पर, और कुछ क्रिटिकल एवरेजेस अगर आप देखें अभी भी हायर लेवल से परसिस्ट करते हैं, तो अगर आप देखें उनके क्रॉस होने की संभावना अभी नज़र नहीं आ रही है। और कुछ काउंटर्स जो कि अगर आप देखें इस तेज़ी में जुड़े हैं, REC PFC का एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन अब बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता हुआ आपको इस इंडेक्स में दिखाई दे रहा है। और ये इसकी मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें HDFC और HDFC बैंक दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। बैंक निफ्टी में सिर्फ HDFC बैंक पार्टिसिपेट करता है, इसमें HDFC भी पार्टिसिपेट करता है। तो इसके लिए ये इंडेक्स जो है कई बार आपको बैंक निफ्टी से थोड़ा ज़्यादा एक ट्रैक्शन दिखा देता है, ख़ासतौर से अगर किसी दिन दोनों चले। आज लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो जो बजाज स्टॉक्स हैं वो इतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, वो थोड़ा सा इम्पैक्ट डाल रहे हैं फिनेंशियल निफ्टी के लिए। तो कई बार पॉजिटिव होता है, कई बार नेगेटिव होता है, ये आज नेगेटिव है कि दोनों बजाज, इनफैक्ट ये बजाज फाइनेंस और फिनसर्व पर एक कॉल ले ली जाए, क्योंकि इतनी स्ट्रांग मार्केट, इतनी स्ट्रांग फाइनेंशियल्स की मार्केट, और इस पर तो कई लोगों ने सवाल पूछा भी है कि यहाँ हो क्या रहा है और ये क्यों इतना अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। ये प्रशांत जी, इस पर कोई डेटा पॉइंट बजाज फाइनेंस पर खासतौर से बात कर लेते हैं क्योंकि वो बड़ा स्टॉक है, बजाज फाइनेंस पर कोई कॉल आपके पास इस समय या व्यू इस समय? अनुज जी, मेरी राय कि जो गुरुवार को प्राइस एक्शन हुआ है वो बजाज फाइनेंस का शायद एक बेस बना हुआ है शॉर्ट टर्म के हिसाब से 6400 के करीब। तो ये स्टॉक जो बीच की गैप है, बुलिश गैप, उसको थोड़ा रिटेस्ट कर रहा है। अगर ये मुझे थोड़ा और नीचे यानी करीबन 6475 64850 इस जोन में मिल जाता है तो मैं 6400 के जस्ट नीचे, 6400 के जस्ट नीचे यानी 6380 के आसपास स्टॉप लॉस रख के करीबन ये मेरी 1 से 1.5% रिस्क हो जाएगी, मैं बाय करना चाहूंगा। ये मेरी बाइंग की वजह यही होगी कि कंसोलिडेशन जोन के बहुत निचले लेवल्स पे है तो रिस्क कम है, और हम जो कंसोलिडेशन का ऊपर का लेवल है यानी 6700, इस टारगेट के लिए हम इसको बाय कर सकते हैं, रिस्क रिवॉर्ड बहुत जस्टिफाइड होगा और हम इस रेंज को प्ले कर रहे हैं। ओके ठीक है, चलिए इस रेंज को अब आपको प्ले करना है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।